जी चैप्टर नाइन डाटा हैंडलिंग आज हम इस बीडीओ नाइन जी में एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू के क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वन है टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन फाइव विलेजेस आर एज फॉलोस ठीक तो विलेज ए में एट्टी दी हैं विलेज बी में वन हंड्रेड ट्वेंटी दिए हैं विलेज सी में नाइन्टी दी हैं विलेज डी में फोर्टी विलेज ई e में सिक्सटी ठीक इन सब इन सब को लेकर आपको डाटा दिया हुआ है इन सब को डाटा को लेकर एक आपको पिक्टोग्राफ बनाना है ड्रॉ करना है और एक बात और कह रहे हैं ये जो सिम्बल है ये सिम्बल इक्वल टू कहते हैं टेन एनिमल्स हैं इस सिम्बल्स के इक्वल टू टेन एनिमल्स हैं क्लियर उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं क्वेश्चन ए बी सी ठीक तो हम सबसे पहले इसको ड्रा करते हैं तो विलेज कौन कौन से विलेज हैं आपको यह लिखना है पहले आपको दिए हुए हैं विलेज विलेज ए है विलेज वी है विलेज सी है और विलेज डी है और लास्ट है विलेज ई ठीक अभी कह रहे हैं कि टेन एनिमल्स इक्वल टू ये सिंबल है ये आपको दिया हुआ है टेन एनिमल्स इक्वल टू ये सिम्बल्स आपको गई है क्लियर अब क्या करना है टेन एनिमल्स कहने का मीन्स ये है कि अगर ये एट्टी एनिमल्स हैं तो एट्टी को अगर टेन से डिवाइड करते हैं कितना का एट आएगा कितना का एट तो इसमें एट सिंबल बना दें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट होगा एट और जो एट है वो किसके इक्वल टू हैं ये हैं एट्टी एनिमल्स के इक्वल टू ठीक विलेज बी में विलेज बी में क्या है विलेज बी में है वन हंड्रेड ट्वेंटी वन हंड्रेड ट्वेंटी को टेन से डिवाइड कर दें तो कितना का ट्वेल्व आएगा कहने का मीन्स ये है कि वन टेन एनिमल्स इक्वल टू कितना ये सिम्बल है तो इसको टेन से डिवाइड करने कितना का ट्वेल्स आएगा तो इसमें ट्वेल्व सिम्बल बना दें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवेन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ये ट्वेल्थ से मल हो गए तो ट्वेल्थ से मल किसके हैं वन ट्वेंटी के इक्वल हैं क्लियर वन ट्वेंटी के इक्वल है उसके बाद विच सी विलात सी में क्या है विला सी में है नाइन्टी विलेज कितने, है? है। तो कितने हैं नाइन्टी एनिमल्स हैं तो नाइन्टी को टेन से डिवाइड कर दें कितना आएगा नाइन आएगा तो उसमें नाइन से बना दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अच्छा। एट और नाइन तो इसमें कितने हैं नाइन्टी सिंबल हैं क्लियर विलेज डी विलेज डी में कितने हैं फोर्टी है? एनिमल्स हैं तो फोर्टी को फो, अगर फोर अगर टेन से डिवाइड करते हैं कितना है? आएगा फोर आएगा तो इसमें फोर सिंबल्स वन टू थ्री फोर फिर विलेज ई विलेज ई में कितने हैं विलेज ई में है सिक्सटी एनिमल्स हैं तो सिक्सटी को अगर टेन से डिवाइड हैं कितना तो आएगा सिक्स आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसमें सिक्सटी है वही कितना है फोर है तो आइए फोर्टी हो गया इस तरह से आपको पिक्टोग्राफ बनाना है ठीक तो है थीके? तो पिक्टोग्राफ बनाना कोई इतना हार्ड काम नहीं है आसान काम है तो आप लोग इसको बना सकते हैं आसानी से क्लियर उसके बाद आपको क्वेश्चंस ए है क्वेश्चन बी और सी के आंसर देने हैं तो क्वेश्चन तो ए है वो क्वेश्चन ए में पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी सिम्बल्स रिप्रजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई जो विलेज ई e है उसमें कितने उसमें कितने सिम्बल्स हैं हाउ मैनी सिम्बल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई तो इसमें कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहाँ लिखना है इसमें इसका आंसर लिखना फर्स्ट वाले का सिक्स सिम्बल क्लियर क्वेश्चन एजी हैं तो क्वेश्चंस क्वेश्चन को क्वेश्चन के एजी ही तरीके से देखें तो अच्छा है उसको टफ बनाने की कोशिश ना करें ठीक है फिर इसका भी पार्ट है विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स कौन से विलेज में सबसे अधिक एनिमल्स हैं कौन से मैं देखो इसमें दिख रहा साफ साफ दिख रहा है वन ट्वेंटी किसमें है विलेज बी में तो लिखना विलेज बी फिर इसका सी पार्ट है सी पार्ट में कहना है विच विलेज हैज़ मोर एनिमल्स विलेज ए और विलेज सी विलेज ए में ज्यादा है क्या विलेज सी में ज्यादा है तो विलेज ए विलेज ए है ये है और विलेज सी ये है इसमें एट्टी है इसमें नाइन्टी है इसमें कितने हैं एटी हैं इसमें एट सिंबल हैं इसमें नाइन्टी हैं इसलिए इसमें नाइन सिंबल हैं तो क्या हमें को पता है साफ साफ दिख रहा है हमको विलेज सी में ज्यादा एनिमल्स हैं तो विलेज सी यहाँ लिख देंगे विलेज सी हैज़ मोर एनिमल्स देन ब्लेस ए क्लियर तो आपको इस तरह से क्वेश्चन वन एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू का सॉल्व करना है ठीक तो हमने आज आपको क्वेश्चन वन समझाया कैसे करना है तो आप लोग सब लोग कर सकते हैं इसको अच्छे से और इसका क्वेश्चन नंबर टू जो है एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू का ये आपको असाइनमेंट में होमवर्क के फॉर्म में सॉल्व करना है ठीक है तो सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें और क्वेश्चन वन की ही तरह क्वेश्चन टू है ठीक तो आज की वीडियो में यहीं तक और एक